हाँ तो अश्विनी जी ज्वाइन कर चुके हैं सर। सर। अपने बारे में कुछ बताइए आप। नमस्कार सर, मेरा नाम अश्वनी कुमार है और मैं मोदीनगर गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। सर, मेरी फैमिली में हम दो भाई और दो बहन हैं और मेरे माता पिता हैं। और सर, मैंने अपनी हायर क्वालिफिकेशन बीटेक मैकेनिकल ट्रेड से सन 2015 में यूपीटीयू से की थी। और सर, मैं बैंकिंग सेक्टर में सन 2020 से वर्किंग हूँ। सर, IDFC बैंक में था एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव। उसमें मैं सर सीडी लोन देखता था। वहां पर सर 10 महीने काम करने के बाद 10 महीने काम करने के बाद मैंने कोटक महिंद्रा ज्वाइन करा जनवरी 2022 21 में, सॉरी। उसके बाद मैंने कोटक महिंद्रा में मैं यहाँ पर स्मॉल एंटरप्राइजेस लोन देखता था और मेरा जो वर्किंग प्रोफाइल था वो अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन था। एंड मेरा जो रोल था वहाँ पर वो सेल्स ऑफिसर का था। जून 2022 में सर मैंने वहाँ से स्विच किया और मैंने बंधन बैंक में एज ए रिलेशनशिप ऑफिसर ज्वाइन किया। सिमिलर स्मॉल एंटरप्राइजेस लोन में ज्वाइन किया था जी सर। और करंटली मैं वर्किंग हूँ वहाँ। तो आपने बेसिकली एमएसएमई सेक्टर में ज़्यादा काम किया हुआ है यस सर। ऐसा हम मान के चलते हैं। तो जो माइक्रो एंटरप्राइजेज होती है, हाँ, उसका जी सर। क्लासिफिकेशन आप बताएंगे, इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए उसमें? जो सर माइक्रो जो माइक्रो का है सर, इसमें जो एग्जैक्टली मुझे अमाउंट सर नो सर माइंड अच्छा, तो एमएसएमई में कितने अमाउंट तक का हम लोन कर सकते हैं मैक्सिमम? एमएसएमई में सर एसएमई एप्रोक्स सर जो मीडियम है इसमें सर 10 CR तक कर सकते हैं क्योंकि ठीक है। आपने बंधन बैंक में 2 साल से ये पूरा एक ही सेक्टर देखा है एसएमई, जी सर SEL देखा स्मॉल एंटरप्राइजेस लोन स्मॉल अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन एंटरप्राइजेस में। आपने उसमें देखा है। जी सर। तो इसमें जो पीएसएल होता है, आपने पीएसएल टारगेट्स मिलते हैं बैंक को, वो एमएसएमई सर टारगेट्स कितना है पीएसएल में? सर हमारे बैंक का PSL टारगेट तो नहीं मिलता। एक स्पेसिफिक टारगेट मिलता है हमको 50 लाख रुपए मंथली करना होता है। बट जो नहीं, जो प्राइवेट बैंक का टारगेट होता है ना, हर बैंक को एक टारगेट दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो कितना परसेंट जी होता है? इसका सर जो भी टोटल अमाउंट हम लैंडिंग कर रहे हैं उसका 40%। ठीक है। ये बताइए, कानपुर से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? हाँ सर गाजियाबाद से बिलोंग करता सर, सॉरी सर गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। हाँ पॉपुलेशन बताइए गाजियाबाद। गाजियाबाद की पॉपुलेशन सर 1 करोड़ के आसपास। ये एनसीआर का पार्ट है या नहीं है? NCR का पार्ट है सर। एनसीआर। तो सर आपने जो एसएमई लोन देखे हैं उसमें अनसिक्योर्ड लोन किए हैं और सिक्योर्ड भी किए हैं, दोनों टाइप के किए होंगे? ओनली अनसिक्योर सर। अनसिक्योर्ड किए हैं। कितने अमाउंट तक के सर? जी सर up to 25 लाख सर। सीजीटी में, सीजीटी एमएससी के बारे में कुछ बताइए। CGTMSE सर एक MSME की स्कीम है। और इसमें जो है सर इसमें ये इसमें जो है 2 करोड़ तक फंडिंग करते हैं। और इसमें जो है 75% जो है हमारा जो भी जैसे हमारा बंधन बैंक है तो सर इसमें जो मान लिया हमने 1 करोड़ रुपए क्लाइंट को फंडिंग कर रहे हैं तो उसमें जो है 75% बैंक अपना अपना स्टेक होता है और 25% की जो गारंटी है वो सिडबी लेकर करती है सर। तो अपने गवर्नर का नाम बताइए, यूपी के गवर्नर। सर आनंदी कोई सर अच्छा, सीएम का नाम बता दीजिए। योगी आदित्यनाथ।
तो आप आरआरबी ज्वाइन करना चाहते हैं और अब भी आप बेसिकली आपने एसएमई में काम किया हुआ है, तो आरआरबी में हो सकता है आपको एग्रीकल्चर ऑफिसर भी बना दें, एज अ जी सर, काम दे सकते हैं। और रीजनल ऑफिस में यस भी सर, एग्रीकल्चर की पोस्ट होती है और ब्रांचेस में भी होती है। तो आप बताइए कि खरीफ की कोई भी 3 फसल का नाम बताएं। खरीफ की कोई जस्ट वन मिनट सर, हाँ आप खरीफ की सर जो सर आज जुलाई अगस्त कोई भी 3 फसल का नाम बताइए खरीफ की। खरीफ की, खरीफ में गन्ना, ठीक है, गन्ना, मूंगफली, ठीक है। तो अश्विनी जी, आप केसीसी के बारे में जानते हैं कुछ? जी सर, किसान तो क्रेडिट केसीसी कार्ड में जी सर, सब केसीसी में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है फार्मर को? सर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 वैसे जो है 7% है, इसमें प्लस 1.5% होता है, और इसमें जो है अगर अगर फार्मर जो है टाइमली जो हमारा केसी का रिपेमेंट कर देता है तो वो 3% का सबवेंशन होता है, इंटरेस्ट सबवेंशन, फिर वो 4% हो जाती है। ओके, अपनी कोई भी एक वीकनेस बताइए अश्विन जी। सर मेरी वीकनेस है कि मैं थोड़ा इमोशनली जल्दी हो जाता हूँ। तो अगर आपको आपका बॉस कभी आपको, जो ब्रांच मैनेजर है, कभी आपको बोले कि ये करना है और वो रेस्ट्रिक्ट हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे उस केस? क्या सर, कैनवा गेम रिपीट, अगर कभी ब्रांच मैनेजर या रीजनल मैनेजर आप पे रूड होता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? काम करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे सर। एक्चुअली इस पर मैं काम भी कर रहा हूँ सर, जैसे काम करेंगे सर, क्योंकि सर ऑब्वियसली ये हमारे सर बैंक का काम है, और ऑब्वियसली कभी भी सिचुएशन बन सकती है। तो आप कैसे अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे उस टाइम पे? या आपको काम भी करना है और आप इमोशनली भी हो, थोड़े डिमोरलाइज हो गए वहां पर, तो सर पेशेंस, तो टाइम दूंगा सर, अपने आप को टाइम दूंगा थोड़ा, टाइम टाइम दूंगा, और कोई भी उस टाइम पर ऐसी बातें नहीं बोलूंगा जो मेरे सीनियर्स को इफेक्ट करे, थोड़ा टाइम दूंगा, टाइम लेकर ही करूंगा। तो अच्छा, आपने इस पर सर मैं होम काम, एचआर का कोई लॉन्च किया है? वेयर सॉरी हाउस सर, रिसीट होती है, वेयर हाउस रिसीट का जी कोई सर, लॉन्च किया है आपने? लोन वेयर हाउस पर नहीं सर, वेयर हाउस पर कोई लोन नहीं। ओके, ठीक है, हमारे नेक्स्ट गए आपको करेंगे। थैंक यू। ओके सर, हाँ अविनाश जी, यस अश्विन, सर, अविनाश जी, हाँ, पहले तो अपने आपने बताया, सबसे पहले तो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पे बात करूंगा मैं आपकी, आपकी वीकनेस आपने बताया इमोशनल हो जाते हो आप, है ना, तो छोटी सी बात में बात बात कर रहा हूँ। अभी आरआरबी में आए हो आप, किसी गरीब किसान को आपने लोन दे दिया, उसके बाद चुकाने को कुछ भी नहीं है, फिर आप क्या करोगे उससे, रिकवरी पे जाओगे? तो क्योंकि आप बैंकिंग सेक्टर में हो, आपसे ज्यादा डिटेल में डायरेक्ट बैंकिंग पे आ रहा हूँ मैं, आप क्या करोगे उससे, इमोशनल कैसे डील करोगे उससे? तो उसके पास बिल्कुल भी नहीं है, चुकाने का कुछ भी नहीं है, क्या करोगे आप? सर एक्चुअली जो उनकी कंडीशंस है, जो उसके उसके प्रेजेंट कंडीशंस है अपने, पहले तो मैं जाऊंगा विजिट करूंगा, उसके बाद जो भी कंडीशंस है उनकी, ऑब्वियसली बैंक को एट द एंड जो है रिवेन्यू से ही, रिवेन्यू ही चाहिए बैंक को, बैंक उसके पास कुछ भी गरीब नहीं है, है। कंडीशन है मतलब वो चुका ही नहीं सकता, लोन ही नहीं चुका सकता, उसका लोन का बर्डन बहुत ज्यादा हो गया, अब वो चुका ही नहीं सकता, क्या करोगे आप इमोशनली? क्या सर उसका लोन माफ कर दोगे आप? नहीं सर, मैं उनको टाइम दूंगा सर, टाइम देने से क्या मैं होगा? उनको टाइम टाइम देने से मे बी उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो बेटर हो जाए।
आरआरबी के बारे में क्या जानते हो? सर आरआरबी जो था आन नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर सर 1975 में सर एक्ट आया था और ये बना था 1975। क्या क्या बताया आपने? आरआरबी? हाँ सर सर पुलिस एक्चुअली क्या था सर जो हमारे जो जो जब बैंक सर नेशनलाइज हुए थे 1969 में, तो उसके बाद जो सर आज जो आज उस टाइम की जो हमारी श्रीमती जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी उनके टाइम पर आरआरबी लॉन्च हुए थे और नरसिम्हा समिति के सिफारिश पर आए थे 1975 में। और सर एक्चुअली क्या था जो चलो बैंक्स थे वो कोई बात, आरआरबी का वो स्ट्रक्चर रूरल बताया। चलो डिटेल में जाओ आप, आरआरबी का स्ट्रक्चर बताया कितने परसेंट शेयर इसमें स्टेट गवर्नमेंट का होता है, कितने परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का और कितने परसेंट स्पॉन्सर बैंक का होता है। सर अभी जो है 51% जो है सेंट्रल स्टेट का है और 49% सर नाबार्ड के बारे में पता है कुछ है? नाबार्ड। जी सर नाबार्ड जो सर भाई 1982 में शिवरमन समिति के द्वारा नहीं, सर नाबार्ड क्या चीज बनाया है गया। पहले बताओ, नाबार्ड क्या है, क्या है ये नाबार्ड? नाबार्ड सर नाबार्ड आरआरबी को एक तरह से रेगुलेट करती है सर ना आरआरबी को जो है जो भी आरबीआई गाइडलाइंस देती है उसको रेगुलेट करवाती है आरआरबी। जी सर रेगुलेटर है बस नाबार्ड। यस सर रेगुलेटर और फाइनेंसर भी है सर उनको फाइनेंस भी देते हैं किसको फाइनेंस करती है नाबार्ड? आरआरबी को। चलो अभी आप क्या देख रहे हो वहां पे प्रेजेंटली बंधन बैंक में? तो अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन सर बिजनेस लोन, तो फिर अनसिक्योर्ड, तो एनपीए, एनपीए के बारे में बता सकते हैं? एनपीए क्या चीज है? जी सर एनपीए सर जो 3 महीने से ज्यादा 3 महीने से ज्यादा इंटरेस्ट और पेमेंट होल्ड हो जाते हैं सर उसको 90 डेज के बाद 90 डेज का कोई भी पेमेंट जो जिसमें इंटरेस्ट और बैंक की इनिशियल पेमेंट होल्ड हो जाती है उसको एनपीए कर। चलो ठीक है। हाँ तो एनपीए में भी कैटेगरी होती है अलग अलग, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, जी सर बताओ क्या होता है एनपीए थोड़ा बताओ। अगर कोई एनपीए 1 साल या 1 साल से पहले तक अगर एनपीए रहता है तो वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी रहता है। और सेम अगर कोई कोई सब स्टैंडर्ड कोई एनपीए सब स्टैंडर्ड 1 साल तो सेम 1 साल से 1 साल तक या 1 साल से पहले रहता है वो डाउटफुल हो जाता है। और उसके बाद जो है बैंक जो है अपनी बैलेंस शीट में उसके बाद लॉस शो करती है बाद में। एनपीए का प्रोविजन प्रोविजन भी करते हैं? लॉस लॉस कैटेगरी में कितना प्रोविजन करते हैं एनपीए का? एमपी का लॉस प्रोविजन में सर 5 महीने। ओके okay. अभी आपका ब्रांच का एनपी कितना हुआ? मेरी ब्रांच का एनपीए है सर 6%। कितना? सॉरी 6% सर 6%। आपको लगता है कुछ ज्यादा है? जी 6% हाँ एडवांस कितना ज्यादा है है आपका? सर। सॉरी सर एडवांस एडवांस कितना है आपकी ब्रांच में? एडवांस इन द टर्म ऑफ सर आप पोर्टफोलियो सर कितना? आप पोर्टफोलियो की रिगार्डिंग आप ये फोर्टी क्वेश्चन थ्री पोर्टफोलियो की रिगार्डिंग नहीं सर मैं कह रहा था सर ये जो एडवांसेस लोन है पूछ रहे हैं सर, लोन पूछ रहे हैं एडवांस आपके ब्रांच का एडवांस लोन कितना है? लोन अच्छा एडवांस का पोर्टफोलियो कितना है आपके बिजनेस फिगर में? जैसे डिपॉजिट और एडवांस का पोर्टफोलियो होता है, तो आपका एडवांस का पोर्टफोलियो कितना है आपके ब्रांच का? अच्छा जी सर मेरे ब्रांच का है 110 सर 110। और उसमें से 6% जी सर एनपीए बता रहे हो आप, कुछ ज्यादा एनपीए हो जी रहा है सर तो। सर आपकी एक्चुअली ब्रांच सर रूरल है या फिर
बोलिए। सेमियर बने सर। हाँ सर, आपकी ब्रांच सेमियर वन है, तो सेमियर वन में भी जी 6% एनपीए, बहुत ज्यादा एनपीए है आपकी ब्रांच में। तो एक्चुअली कैसे, सर क्या क्या आज डील करते हो मैं आप एनपीए के लिए? एक्चुअली क्या था सर, आज जब मैं आज ज्वाइन करा था मैंने ब्रांच को, तो मेरी ब्रांच से जब मैंने ज्वाइन करा था, मेरे से पहले जो था मेरी ब्रांच के पोर्टफोलियो में जो जो पुराने पुराना स्टाफ था उसने थोड़ा सा क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन करो तो। ठीक थोड़ा सा सर वो करके चला गया था। चलो कोई ना, थैंक यू। ओके अश्विनी जी, सर, आप बताइए थोड़ा केवाईसी के बारे में सुन रखा होगा आप, जी बताइए क्या होता है सर। केवाईसी। आज केवाईसी के बारे में सर, अपने कस्टमर को जानना, नो योर कस्टमर। इसमें थोड़ा सर डिटेल में हम बताइए क्या है इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव। इसके पीछे का सर ऑब्जेक्टिव ये है कि कि हमारा जो कस्टमर है वो ऑपरेट कर रहा है, वो अभी लाइव है, या फिर कहीं बाहर चला गया, अपने मतलब एक अपने जगह स्टेट अपना प्लेस छोड़ो, कहीं दूसरे वहां पर चला तो नहीं गया है, या फिर लाइव है। यस सर। और बेसिकली आज केवाईसी में जो है सर, हम उसमें केवाईसी में जो डॉक्यूमेंट्स है, हम आधार कार्ड लेते हैं, और आधार कार्ड में जो उसका है उसमें एक तो पहचान होता है और उसका पता होता है। ठीक है, ओबीडी डॉक्यूमेंट सुने आपने, ओबीडी ओवीडी चलिए, जी सर, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो जी अकाउंट के बारे में आप जानते हैं कुछ, सर। बताइए क्या होता है। वोस्टो अकाउंट सर वो होता है जो कोई बाहर का, मान लो कोई बांग्लादेश का बैंक है, वो हमारे यहाँ पर भारत में आकर, भारत में एसबीआई में आकर अपना अकाउंट खुलवाता है, तो वो वोस्टो अकाउंट हो गया। और हमारा इंडिया बांग्लादेश में जाकर अपना अकाउंट वहां पर खुलाए, तो वो वोस्टो अकाउंट हो गया। ठीक है, आरबीआई और नाबार्ड में क्या डिफरेंस है, अभी सर ने पूछा था आपसे। सर आरबीआई जो है ऑल बैंक को, सभी बैंकों को रेगुलेट करता है, और नाबार्ड जो है आरआरबी और अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को। रेगुलेट करता है, नाबार्ड एक जी नाबार्ड एक एक टाइप से मीडिएटर का काम करता है, मीडिएटर है आरबीआई और आरआरबी के बीच में, क्योंकि आरबीआई जो आरआरबी गाइडलाइन देगा नाबार्ड। आरआरबी को रेगुलेट कौन करता है, जो रीजनल रूरल बैंक है उनको आरबीआई करता है या नाबार्ड करता है। सर सभी बैंकों को तो आरबीआई करता है, मतलब रूरल आरबीआई बैंक की को भी गाइडलाइंस। आरबीआई करता है, तो यस सर, नाबार्ड क्या करता है फिर। फॉलो द नाबार्ड एक तरह से सुपरवाइजरी करता है सर, सुपरवाइजरी। ठीक है, स्विफ्ट कोड के बारे में जानते हैं आप कुछ। और सर मतलब सुना है लेकिन पूरी तरह से अवेयर नहीं हूँ। ठीक है, मुद्रा लोन जी सर क्या जानता हूँ। होता है, बताइए कैटेगरी क्या है मुद्रा लोन के। मुद्रा लोन की सर शिशु है, तरुण शिशु है, और शिशु है, तरुण है, किशोर है। क्या क्या लिमिट है इनकी। शिशु की है सर 5, शिशु की है सर 50,000, और उसके बाद है सर 5 लाख, और जो उसके बाद है सर अभी जो उसकी रिसेंट में उसका बढ़ाया गया किशोर का, इसका है सर अभी का इसने बजट में इसका 10 लाख से 20 लाख कर दिया सर। ठीक है, गुड। और आप फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में कुछ बताइए। फाइनेंशियल इंक्लूजन सर थोड़ा सर मतलब एक्चुअली इंग्लिश थोड़ा इशू है, अभी गवर्नर हिंदी में कौन है कुछ। आरबीआई के। आरबीआई के गवर्नर है सर श्री शक्तिकांत दास। ये शक्तिकांत दास। आरटीजीएस और नेफ्ट की लिमिट बता दीजिए, कितना लिमिट रहती है इनके ट्रांजेक्शन। आरटीजीएस की जो लिमिट है सर वो 2 लाख से ज्यादा के लिए यूज करते हैं हम।
और नेफ्ट की लिमिट 5 लाख है। 5 लाख मिनिमम, 5 लाख मिनिमम, मिनिमम कितने नहीं सर, ट्रांजेक्शन मिनिमम कर नहीं है, देते मिनिमम 5 लाख? नहीं सर, मिनिमम नेफ्ट के लिए मिनिमम ट्रांजेक्शन 1 रुपीज भी कर सकते हैं सर मैम। मैक्सिमम 5 लाख क्या है? मैक्सिमम 5 लाख हो सर। ठीक है, थैंक यू आशुतोष सर। अश्विनी जी, मैं आपकी प्रोफाइल से आपसे थोड़ा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जैसे आपने इसमें कैटेगरी में लिख रखा है ओबीसी एनसीएल, तो पहले तो मुझे जी ये सर, बताइए एनसीएल क्या है? ठीक सर एनसीएल है नॉन क्रीमी लेयर सर। क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का डिफरेंस थोड़ा सा इसमें बताइए मुझे। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी, नॉन क्रीमी लेयर सर जस्ट में सर, कुछ तो रहती ही होगी इसके अंदर अमाउंट की, उस अकॉर्डिंग डिसाइड होता होगा यस कि सर। नॉन क्रीम लेयर और क्रीम लेयर, रेंज रहती होगी। एक हाँ जी सर, इसमें सर एक फैमिली इनकम इनकम जस्टिफिकेशन है। देखिए इस इनकम से बिलो जो है नॉन क्रीमी लेयर है और इसके अबव जो है क्रीमी लेयर है। कितनी है वो रेंज, वही मैं जानना चाहता राइट नाउ सर आई डोंट हूँ, नो सर। क्योंकि अपन आपने इसमें शो किया हुआ है तो थोड़ा इसकी जानकारी होनी चाहिए कि नॉन क्रीमी के लिए क्या रेंज रहती है। ठीक सर अभी राइट नाउ सर मुझे पता नहीं है, क्लियर माइंड से सर। आपने 2 प्राइवेट बैंक्स में काम किया है राइट, जी सर, जी सर, तो अपना थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स इसमें मेन रहता ही है, चाहे आप कोई सा भी डिपार्टमेंट देखें, ये हमारे पास रहता ही है कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स करने हैं। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स का मतलब समझ रहे हैं है ना, इंश्योरेंस एंड ये हाँ जी म्यूचुअल सर, फंड, इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड। इंश्योरेंस फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंश्योरेंस कवर का थोड़ा समझाइए मुझे। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंश्योरेंस का इंश्योरेंस कवर कवर क्या, नो आइडिया सर, तो एग्जैक्ट वर्ड क्लिक नहीं कर रहा सर। ओके कोई नहीं, ठीक है नितिन सर, मेरी तरफ से ओके। तो अश्विनी जी, आप फर्स्ट टाइम देंगे क्या इंटरव्यू? अभी यस सर, फर्स्ट ये फर्स्ट टाइम है, अभी रिटर्न भी पहली बार ही दिया या लास्ट ईयर भी दिया था? टाइम है सर रिटर्न, ये फर्स्ट टाइम। सर फर्स्ट टाइम ही है आपको, तो अभी तक क्यों नहीं दिया? आप तो पहले भी जॉब कर रहे थे। पहले मैं सेल्स से सेल्स ऑफिसर था तो इस वजह से उसका मैंने क्या दिक्कत है? दिया नहीं था। वो एक्चुअली ग्रेड का इशू था, अच्छा जी, आपने ग्रेड आपके में नहीं वहां इंट्रो पर। में आपने आपके इंट्रो में बताया आप IDFC में कोटक में भी काम किया, और आपने एप्लीकेशन फॉर्म में केवल बंधन बैंक की दिखा रखा है। एक्चुअली वो रिलेशनशिप ऑफिसर मैं यहाँ से ही सर एलिजिबल था तो इस वजह से मैंने दिखाया हुआ था अच्छा ठीक है, जी। इस चीज के लिए भी प्रिपेयर रहे हैं, अगर वो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि आपने मेंशन क्यों नहीं किया है। ओवरऑल थोड़ा नॉलेज पे ध्यान दें आप, क्योंकि ये क्या बेसिक टर्म है, नेफ की लिमिट, आईटी, जीएस की लिमिट, और काफी क्वेश्चन जैसे मुद्रा लोन ये सब रनिंग में ही है, ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि आप GBO का दे रहे हैं तो इतना वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इतनी नॉलेज होगी बैंकिंग, आपने 7 से 8 साल बैंक में जॉब ठीक किया है, तो थोड़ा बेसिक तो पढ़ लीजिए इन चीज़ों का, ये कॉमन क्वेश्चन है, यही है पूछते सर, हैं, इन्हीं से रिलेटेड रहता है, बाकी सर बताएंगे आपको। देन सर हाँ अश्विनी जी, आपको जी सर, तैयारी की जरूरत है, फ्रेंकली स्पीकिंग तैयारी की जरूरत है आपको। तो आपको क्या, आप बैंक में ही काम कर रहे हो है ना, और आपकी पोस्ट स्केल 2 के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपको नॉर्मल जो बैंकिंग है ना वो तो आनी चाहिए। तो आप इसको तो जैसे MSME की आपकी लिमिट नहीं बताया, माइक्रो में थोड़ा इसमें आपने वो करा, इन्होंने पूछा सर ने कि मुद्रा लोन के बारे में, तो उसमें भी आप कंफर्म नहीं थे जवाब, मतलब आपके जवाब में श्योरिटी कहीं पे भी नहीं आई, कहीं नहीं मिली, तो आपको थोड़ा तैयारी की जरूरत पड़ेगी है ना। साथ साथ बैंकिंग के साथ साथ आपको जनरल अवेयरनेस भी बढ़ानी पड़ेगी आपकी, जैसे आपको गवर्नर का नाम नहीं पता आपके स्टेट का, तो थोड़ा सा इन पे फोकस करो आप। ठीक है पहली बार दे रहे हो पर आपको तैयारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको एज ए स्केल 2 ऑफिसर सेलेक्ट करेंगे जो ब्रांच मैनेजर बनाएंगे आपको डायरेक्ट, तो
थोड़ा सा आपको तैयारी से फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ठीक थैंक है भाई, यू। ठीक है, ओके सर। नमस्ते नमस्ते। अश्विनी जी, जैसे मैंने आपसे वीकनेस का से पूछा था, तो आपको एक उसका काउंटर आंसर पता होना चाहिए। क्या अगर आप वीकनेस को या तो एज ए स्ट्रेंथ बताएं, आपको उसको प्रेजेंट करना है कि वो मेरी एक स्ट्रेंथ बन सकती है, नहीं तो आप अगर वो पूछते हैं आपने एज ए वीकनेस उसे बताया, तो उसका काउंटर आंसर आपके पास होना चाहिए। प्लस कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नॉलेज से आता है, तो बेसिक नॉलेज, जैसे आप RRB में जा रहे हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल है, जी CGT, सर, MSE, आपने MSME में काम किया है, तो बेसिक है कि आपको उसके इन्वेस्टमेंट टर्न ओवर कितना चाहिए एंड ऑल ये पता होना चाहिए मुद्रा के बारे में। तो उस एक लैक ऑफ नॉलेज का उसमें थोड़ा दिख रहा था कि उसी की वजह से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। तो आप इन बेसिक्स पे जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और जितने आप इंटरव्यूज देंगे उतना जी सर, आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, और आपको क्वेश्चंस आप नेट पे भी देख सकते हैं, और हम लोग से भी आप कांटेक्ट करते रहें कि हम शेयर भी कर देंगे आपको, बट आपको ये बेसिक्स देखने होंगे कि MSME में क्या है क्या नहीं है। ठीक है सर, जी सर, और सर अपने आसपास जी के सर, एरिया की जरूर ध्यान रखें कि आपका होम स्टेट और होम टाउन जो है उसके बारे में थोड़ा बेसिक पता हो। ठीक है, ओके। ओके सर, ठीक अश्विनी जी, थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल देख लीजिएगा, मतलब जो, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म यही सेम इंटरव्यूअर के पास होगा उस टाइम पर, तो जी सर, जैसा भी मैंने ये क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल, क्योंकि ये इश्यू बीच में हुआ भी है आपको पता है, ये थोड़ा सा उठा भी था, तो इसकी थोड़े से लिमिट्स वगैरह के लिए सिंपल बेसिक नॉलेज रखिए बस, कि किस टाइप से क्या रहेगा। अपनी प्रोफाइल के अंदर अपन ने जैसे अनसिक्योर्ड लोन्स का बता रखा है, तो उसके बारे में भी जी सर, देखिए, और प्राइवेट बैंक के बारे में दिया हुआ है, तो आजकल थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हर ग्रामीण बैंक में स्टार्ट हो गया है, कहीं इंश्योरेंस ओके है सर, तो कहीं और दूसरी भी, तो इनके बारे में डिटेल्स से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रखें अपने पास, और थोड़ा जी उसी सर, अकॉर्डिंग जब अपने को याद रहेगा तो फिर कुछ पढ़ेंगे, कुछ समझ में रहेगा तो फिर अपन कॉन्फिडेंस से जी सर, बात कर सकते हैं, ये थोड़ा सा यस आप सर, देखिएगा। है ओके सर, यस सर, थैंक यू। यस सर, ठीक है, ओके थैंक यू सर, सो मच। थैंक यू।